जब भी टिकट बुक करते हो तो वेज नॉन वेज आप आपके हिसाब से चूज कर सकते हो। बिरयानी का टेस्ट जो है दोस्तों मैसूरु पहुंच गए, मैं फटाक से जाके अपना लगेज लेके आती हूँ। पीछे मैसूरु स्टेशन। मैम वो विद टैक्स? नहीं, तो जिस ऑटो में मैं आ रही थी उस ऑटो वाले ने ना कांड किया है, उसे होटल ढूंढने में बड़ी परेशानी हो रही है यार। मैं आपसे बात करना चाहूंगी स्कैम के बारे में। दोस्तों आज तक की बेस्ट बिरयानी है, प्लीज इनकी बिरयानी ये वाली ट्राई करना। तो दोस्तों हो चुकी है मेरी मॉर्निंग। तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द जिंगार गर्ल व्लॉग्स पे। आशा करती हूँ कि आप लोग टनाटन होंगे, मैं तो एकदम 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 ही ज़्यादा मस्त हूँ। यहाँ पे ख़त्म होती है अपनी कहानी बेंगलुरु की। मैं जो है होटल से निकल चुकी हूँ और बज रहे कुछ 9:43 और 11:45 की ट्रेन है अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। वैसे आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे, टाइटल देख के समझ गए होंगे, आजकल सभी लोग बहुत ज़्यादा समझदार जो है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, कुछ खा के फिर सीधे निकलूँगी KSR बेंगलुरु स्टेशन पे। तो दोस्तों ये आ गया है अपना ब्रेकफास्ट एज यूजुअल। इडली है एकदम डुबा डुबा के। यशोदा का ब्रेकफास्ट देख लो, चटनी है, सिर्फ चटनी खाएगी वो। मम्मी का पूरी है विद भाजी, भाजी का कलर कुछ अलग ही है। और मेरा ये मेंदू वड़ा और इडली। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट करके जो है मैं और पापा निकल चुके हैं स्टेशन के लिए। मम्मी और यशोदा को वापस होटल पे भेज दिया है। वैसे हम लोगों ने ऑटो इसके लिए लिया बिकॉज 10:20 हो गया है और 10:45 की ट्रेन है, तो चल के जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट्स लगता है रिस्क ना ले। इसके लिए हमने ऑटो ले लिया है। हेलो, ओह शिट 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 शिट, वापस ले लो ना थोड़ा भैया, वो बैग एक रह गया है। स्टेशन पे आ चुकी हूँ दोस्तों, और ये जो छोटा वाला बैग है ये यशोदा ने पहना था तो भूल गई मैं उसके पास, तो थोड़ा सा आगे आए थे हार्डली तो वापस पीछे जाना पड़ा। स्टेशन तक 50 बोला था लेकिन बैग की वजह से उस रिक्शे वाले ने 100 रुपीज़ लिया। क्या लोग हैं यार लिटरली। चलो कोई नहीं, 7 प्लेटफॉर्म पे है, चढ़ के फटाफट जा रही हूँ। 10:30 हो रहा है, 10:45 को ट्रेन आ जाएगी या निकल जाएगी, शायद आ जाएगी, 10:50 को निकलती है। कोच के पास हम लोग आ गए हैं और क्या फटे रश है यार। आ गई हूँ मैं अपने कोच में। तो दोस्तों ट्रेन जो है मुझे मिल चुकी है, मैंने सोचा नहीं था मिलेगी बिकॉज इतना जो मुझे लेट हो गया था। सो आई एम इनटू 12007 मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। तुम सुपर एक्साइटेड, बज रहे कुछ 10:50 तो एग्जैक्ट टाइम पे निकली है ट्रेन। मैसूर अराउंड 1 o'clock पहुँच जाएंगे। अभी के लिए तो बैंगलोर से हम निकल चुके हैं लेकिन ऑफकोर्स मुझे पता है कि मैंने इतना पूरा जो है एक्सप्लोर नहीं किया है। इट्स वेरी मच, मतलब बोलते हैं ना अंडरस्टैंडेबल, कि आप अगर कहीं पे जाते हो तो 2 दिन में आप पूरा शहर नहीं एक्सप्लोर कर पाते हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो रह गई है, तो हम तो ऐसे ट्रैवल करते ही रहेंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब वो सारी जगह भी एक्सप्लोर करेंगे। प्लस मैंने ऐसा सोचा भी है अपन ना एक अलग से सीरीज़ बनाएंगे जहाँ की बैंगलोर का आउटस्कर्ट एरिया हो गया वो सारा कुछ भी एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी के लिए इतना काफ़ी था, समझ लिया कैसा शहर है, समझ लिया कैसे लोग हैं, समझ लिया सारी चीज़ें कैसे चलती है। अब एक्साइटेड हूँ मैसूर के लिए। सो दोस्तों बज रहे कुछ 11:35, तो अभी अभी जो है लंच आ गया है। वैसे मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है खाने का बिकॉज मैंने ब्रेकफास्ट ना अच्छा खासा किया था। अब मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ और खुद खा भी लेती हूँ। रेल नीर का ये 500 ml का वाटर मिलता है। वेज या नॉन वेज आपको जो भी चाहिए होता है वो आप चूज़ कर सकते हो। वाइल्ड टिकट, तो मैंने ये नॉन वेज सेलेक्ट किया था। तो ये बिरयानी है, सैलड है, गर्ड दिया है इसमें, शायद से ना कुछ मीठा होगा। बिरयानी का टेस्ट जो है दोस्तों एवरेज है, इतना कुछ बेकार है नहीं। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ यहाँ पे शताब्दी के वॉशरूम में। ये है मिरर, ये बेसिन है, यहाँ सोप डिस्पेंसर है और ये है इंडियन टॉयलेट। जब आ ही गए तो काम भी कर लेते हैं।
तो ये था इंडियन टॉयलेट और ये वेस्टर्न। वैसे मैंने आपको इंडियन दिखाई दिया है तो वेस्टर्न आपको क्या ही दिखाऊं। तो ये ट्रेन जो है दोस्तों चेन्नई से मैसूरु तक चलती है, ये कुछ अराउंड 500 किलोमीटर चलती है एंड आपको इसमें खाने वाने का सब कुछ इंतज़ाम होता है। तो आप जब भी टिकट बुक करते हो तो वेज नॉन वेज आपके हिसाब से चूज़ कर सकते हो। टोटल 7 आवर्स की जर्नी होती है ये चेन्नई से लेके मैसूरु तक, और एक्सेप्ट वेडनेसडे बाकी सारे दिन ये ट्रेन चलती है। ट्रेन की सर्विस अच्छी थी, एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास होता है जहाँ पे आप आराम से बैठ के जो है ट्रैवल कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो शताब्दी एक्सप्रेस होता है ये आपके डे ट्रैवल के लिए बेस्ट होता है। दोस्तों मैसूरू पहुँच गए, मैं फटाक से जाके अपना लगेज लेके आती हूँ। तो दोस्तों पहुँच गए मैसूरू। तो ये रहा दोस्तों पीछे मैसूरू स्टेशन। अपन जो है स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं, मैंने बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं की है अपने स्टे की। तो चलते चलते स्टेशन के आसपास देखेंगे स्टे कैसा है, क्या है, अपने बजट में बैठता है या नहीं। मेरे साथ साथ काफ़ी सारे यहाँ पे टूरिस्ट लोग जो है मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सारे ना ऑटोज मुझे दिखे स्टार्टिंग में ही स्टेशन के पास में। आई एम श्योर कि वहाँ से काफ़ी भारी भरकम प्राइस ये लोग बोलते होंगे जहाँ पे भी जाना होगा उसका। तो ये है दोस्तों मैसूरु स्टेशन के पास का इलाका। जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलते हो तो यहाँ पे मैसूरु म्यूज़ियम है, उसी के बाहर मैं खड़ी हूँ। ओला ऑटो बुक कर लिया है। अब यहाँ पे आसपास ना स्टेशन के पास में कोई भी ऐसे होटल्स नहीं दिख रहे, तो मैंने सोचा है कि बस स्टॉप के आसपास तो पक्का होंगे ही होटल्स, है ना। बैठ के निकल जाएंगे बस स्टॉप पे और बस स्टॉप पे हंट करेंगे होटल। तो दोस्तों ओला ऑटो जो है मिल चुकी है और पहला वाला जो था वो कैंसिल हो, फिर वापस से मैंने दूसरा वाला किया। मैम वो विद टैक्स पर नाइट नहीं, क्या बजट है, क्या बजट? तो जिस ऑटो में मैं आ रही थी उस ऑटो वाले ने ना कांड किया है कुछ, तो आराम से एक बार होटल मिल जाए तो आप लोगों से बात करती हूँ। वैसे होटल ढूंढने में बड़ी परेशानी हो रही है यार। अभी गई थी एक होटल में, 2 दिन का 3,000 बोला उसने, इतना तो हम स्पेंड नहीं करने वाले, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। काफ़ी 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 स्ट्रगल के बाद में फाइनली एक होटल मिला, होटल मौर्या करके, एंड वन डे का कुछ 1020 है इसका। और अपने को कल निकलना है, मतलब आज अगर 12th है तो अपने को 13th के रात के 11 बजे अपने को निकलना है, क्योंकि अपनी 11:20 की ट्रेन है अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो देखेंगे एक दिन का कर लेंगे और फिर बाकी टाइम जो है बाहर इधर उधर करके थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो फिर 2 दिन के अपने को चार्जेस भरने पड़ेंगे, विच इज़ ऑफ नो यूज़। आज तो अपना होटल हंटिंग में वाट लग गई, और प्लस यहाँ पे ना बारिश हो रही है, बारिश में इतना घूम घूम के हालत ख़राब हो गई ना लिटरली। आज मुझे पता चल रहा है सोलो ट्रैवलिंग की हकीकत। आ चुके अपने होटल रूम पे, फटाफट जो है आपको टॉर दे दूँ। इसी कुछ एंट्री है इसकी, ये रहा बेड, टेबल और 2 चेयर, टेलीविजन पे विंडो है, और यहाँ मैं हूँ, एक कबर्ड है, और यहाँ पे टेबल है, और मैंने अपना लगेज यहाँ पे रख दिया है, ये चेयर है, वॉशरूम है, वेस्टर्न टॉयलेट है, यहाँ पे एक और मिरर है। तो प्लान था बाहर निकलने का, लेकिन यहाँ पे यार बारिश आ रही है, बोलो क्या करूँ मैं। होटल के रिसेप्शन पे खड़ी हूँ दोस्तों, अपलोड के लिए टाइम लगेगा काफ़ी, और बारिश हो रही है, मैं बाहर जा नहीं सकती हूँ कुछ खाने के लिए, तो सोच रही हूँ जोमेटो से कुछ मंगा लूँ। मिस्की की वीडियो में बहुत बार सुना था, तब से इच्छा थी कि डॉन बिरयानी खाऊँ, तो फाइनली जो है आ चुकी है, जोमेटो से ऑर्डर कर लिया था। सो दोस्तों ये रही अपनी बिरयानी, और ये है उसके साथ रायता, बहुत ही ज़्यादा यम खुशबू आ रही है, और बहुत ज़्यादा है बिरयानी, मतलब इतना मैं कैसे खाऊं मुझे समझ नहीं रहा है। सो ये है मैसूर डॉन बिरयानी रेस्टोरेंट जहाँ से हमने बिरयानी मंगाया है। दोस्तों आज तक की बेस्ट बिरयानी है ये, अगर आप मैसूरू से हो तो प्लीज़ इनकी बिरयानी ये वाली ट्राई करना, अदरवाइज़ आप एज अ टूरिस्ट या ट्रैवलर आते हो तो इनकी बिरयानी ज़रूर ट्राई करना, एकदम ऑसम बिरयानी, मज़ा आ गया।
बारिश की वजह से कुछ कर नहीं पाए, बदन ये यार बिरयानी खा के मजा आ गया। मैं आपसे बात करना चाहूंगी स्कैम के बारे में, और ये स्कैम जो है ना ये होते रहता है। तो हुआ ऐसा था, जो ओला ऑटो मैंने लिया था, मेरा डेस्टिनेशन था बस स्टॉप, उसने मुझे बस स्टॉप की जगह पे सीधे एक होटल लेके गया। यहाँ पे आप होटल देख लो बिकॉज बस स्टॉप यहीं से नजदीक है। तो मैंने उसको बोला कि मुझे यहाँ पे नहीं देखना है होटल, मैं अपना होटल देख लूंगी, और मैंने उसको कैश दिया। तो कैश मेरे पास 500 था, चेंज था नहीं। उसने मुझे कहा कि मैं होटल में अंदर जाके जो है कैश लेके आता हूँ, और उसने जाके स्वयं से जो भी बात किया होगा, एंड देन वो मुझे फोर्स करने लग गया, जाओ और एक बार जाके प्राइसिंग पूछ लो, शायद आपको सही लगेगा तो आप ले लेना रूम। तो मैंने ऐसे सोचा मुझे वैसे भी रूम्स लेना है, और पता नहीं उस टाइम पे मेरा दिमाग क्यों नहीं काम किया कि मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं जाना चाहिए था। और मैं चली गई पूछने के लिए, और मैं वहाँ पे गई तो उन लोगों ने मुझे अराउंड 2 दिन का उन लोगों ने मुझे 3,000 रुपये बोला, जो कि मेरे बजट में तो था ही नहीं। तो फिर मैंने उनको कहा कि मुझे नहीं चाहिए, तो वो फोर्स कर रहे थे कि आप बताओ क्या प्राइसिंग पे चाहिए दिस दैट। फिर मैंने रिक्शे वाले बंदे को बोला कि मैं आपको चेंज ला के देती हूँ भाई, आप जबरदस्ती का होटल वगैरह में घुस रहे हो कि कहीं और से भी चेंज ले सकते हैं। मैंने एक दो जगह पूछा, चेंज नहीं मिला। तो मैंने उसको आके बोला कि भाई मेरे पास चेंज है नहीं, तो अगर तुम्हारे पास गूगल पे है तो मेरे को दे दो नंबर, पेटीएम है तो दे दो, फोन पे है तो दे दो, जो भी है दे दो, मैं कर दूंगी पे। बट उसका एक ही आंसर था, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। मैंने गुस्से में आके उसे ये कहा कि तुम दे रहे हो या नहीं, या तो फिर मैं तुमको पैसे नहीं दूंगी, जाओ जो करना है कर लो। फिर उसने जो है अपना पेटीएम का स्कैनर निकाल के मुझे दिया और बोला कि पेमेंट कर दो यहाँ पे। अब उसके पास से बराबर से स्कैनर निकल गया। वहां से निकलने के बाद मुझे समझ आया कि इट वॉज अ स्कैम, वो जबरदस्ती मुझे अपने कनेक्शन वाले होटल के पास लेके गया था ताकि उसको वहां से कमीशन मिले, एंड दिस एंड दैट, ये सारा चीज ना होते रहता है, हर जगह पे ये चीज होता है। लेकिन मेरा उस वक्त दिमाग ही नहीं चला। ये जो भी हुआ है उससे मैंने एक चीज सीखी है कि भाई खुद से ढूंढ लो होटल, ऑनलाइन बुकिंग से अच्छा जाके रूम्स चेक करके फिर बुक कर लो, बिकॉज ऑनलाइन में ना रूम्स ऐसे दिखाते हैं, और जाके आप देखोगे ना तो रूम्स कुछ अलग ही होते हैं। ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया। इसलिए अगर आप फीमेल हो, सोलो ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है वैसे वैसे चीज़ें आप सीखते हो। जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से धीरे धीरे इस चीज़ को सीखूंगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। किसी भी वजह से वीडियो पसंद आया, अगर जिंगार्टल की सेवाएं जारी रखनी है तो लाइक करना, शेयर करना और बहुत सारा सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। टिल देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। काफी मेहनत लग रही है ये सारी चीजें करने में, प्लीज सपोर्ट करो। मिलते हैं।